सी, आज का लेसन जो है थोड़ा सा फनी मान सकते हो आप, फनी इन द सेंस बिकॉज हमने ये जो दो गानों का मैशअप किया ना, ये इसलिए किया है ताकि जितने भी ब्रेकअप झेलने वाले लोग हैं ना, जिनको ऐसे ब्रेकअप वाले जिनके लिए कोई आस नहीं बची है कि कोई होप्स नहीं है, और ऐसे ब्रेकअप वाले जिनके लिए होप्स है, तो उन दोनों के केस में ये गानों का मैशअप हो सकता है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके रिकॉर्ड करें तो कोई देख के इसको कुछ फील करे. ओके, सो अगर ऐसे ही डेडिकेटेड सॉन्ग्स आप सीखना चाहते हैं, इमोशन डेडिकेटेड सॉन्ग्स, तो उसके लिए जरूरी है रेगुलर सीखना जो आपको फ्रंट रो प्रोवाइड करवाता है. माय नेम इज अक्षय, दिस इज फ्रंट रो, लेट्स स्टार्ट लर्निंग. देखिए, जब भी ऐसे किसी मैशअप की बात होती है तो हमारा पूरा प्रयास ये होता है कि इजी से इजी रखा जाए, क्योंकि ऑलरेडी आप इतने दुख से गुजर रहे हैं, उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ जाए तो ज्यादा हो जाएगा. तो इसलिए हमने सिर्फ चार कॉर्ड में ये दोनों गाने गाए हैं. जो स्केल हमने चूज किया है दैट इज जी मेजर स्केल, और सिंगिंग में मेरे ख्याल से ज्यादा टफ नहीं है. मैं गा सकता हूँ, मेरे जैसे एवरेज सिंगर गा सकता है, तो आप तो गाई लो. ओके, सो सीक्वेंस होगा जी मेजर, फर्स्ट कॉर्ड होगा जी मेजर, जी ओपन आप जो भी मान लीजिए, देन ई माइनर कॉर्ड, देन सी मेजर कॉर्ड, एंड देन डी मेजर कॉर्ड. ये चार कॉर्ड हम लोग कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हैं. अब अगर स्ट्रमिंग पैटर्न की बात की जाए तो स्ट्रमिंग पैटर्न आई एम प्लेइंग डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन. ओके, लेट मी रिपीट इट अगेन, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन. तो इस तरीके से पहले इसको सेपरेटली प्रैक्टिस करें, फिर कॉर्ड को सीक्वेंस के हिसाब से प्रैक्टिस करें जो कॉर्ड हमने आपको बताए, और फिर उसको गाने के हिसाब से प्लेसमेंट देके आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो होगा. तो अब हम ये दोनों गाने साथ में गा के देखते हैं. आई होप मैं ठीक गाऊं. सो इस गाने का जो पिकअप नोट है वो है बी. कैसे बताए जो तुझको चाहे यारा, बताना बाते दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना. कर दिया दीवाना दर देखा से, चैन छीना इश्क के एहसास ने, बेख्याली दी है तेरी प्यास में, छाए जरूर है कुछ तो जरूर है, ये दूरियां जीने लाते और मेरा तुझे क्या पता, हो जाने जा दोनों जहां रियली होप कि आप अच्छे से इस गाने को प्रैक्टिस करेंगे, और ये जो गाना है किसी और के लिए नहीं, अपने लिए तैयार कीजिए. हो सकता है आपका आत्मविश्वास बढ़ जाए इससे, है ना. और जो अभी आप एक जगह फोकस हो, गलत जगह, आपका डायरेक्शन सीधा हो जाए, और हो सकता है फ्रंट रो इसमें आपकी हेल्प करे. अगर आप रेगुलर क्लासेस करना चाहते हैं तो प्लीज चेक द लिंक बिलो इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो. ओके, तो आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से सुनाएंगे. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करना मत भूलिए.